नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम व्यास। और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुंवर जावेद जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है आप उनको पसंद करेंगे। सुनिए। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र उन पर भी छिड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। लंका का नाम श्रीलंका क्यों पड़ा? कुंवर जावेद जी बताते हैं कि जला के पाप उसे फिर से बसाना ही पड़ा, तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहाँ बिताए थे, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। नदी तो क्या है, समंदर भी तैरने लगता, तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। एक छोटी सी कहानी यहाँ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब भगवान राम ने हिंदुस्तान की तरफ से सेतु निर्माण का काम शुरू किया और पत्थर तैर रहे थे, पुल बन रहा था, तो लंका में बड़ा अनरेस्ट हो गया। वहाँ के लोगों को बड़ा डर लगने लगा कि जो राजा हम पर आक्रमण करने आया ये बहुत मायावी है और इसके नाम के लिखे हुए पत्थर तैरते हैं, तो संभव है ये हमारे महाराज रावण को हरा दे और हम सभी का जीवन खतरे में आ जाए। तो रावण को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो रावण ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा डरने वाली बात नहीं है। उसने अपनी प्रजा से कहा कि आप सभी लोग आइए समुद्र तट पर, मैं भी आपको दिखाता हूँ और मेरे नाम का पत्थर भी तैरेगा। और रावण शाम के समय वहाँ पर इकट्ठा होता है समुद्र तट पर, वह एक पत्थर उठाता है, उस पत्थर पर रावण लिखता है, उस पत्थर को पानी में छोड़ता है और पत्थर तैर उठता है। सारी प्रजा रावण की जय जयकार करने लगती है कि अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, हमारे महाराज भी उतने ही मायावी हैं और उनका पत्थर भी तैरता है। रावण जब महल में वापस आया तब बड़े बेचैनी से अपने कक्ष में टहल रहा था, तो मंदोदरी पूछती हैं कि राजन, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपका लिखा पत्थर तैर तो नहीं सकता, बताइए आपने कैसे किया। रावण ने बड़े ही भारी मन से जवाब दिया कि हाँ रानी, ऐसा नहीं था, मैंने उस पत्थर पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ने के पहले कहा कि देख, तुझे भगवान राम की सौगंध है अगर तू डूब गया तो, और वो पत्थर पानी में तैरता रहा। तो कितनी बड़ी बात है कि इस देश का एक मुस्लिम कवि जो हिंदू धर्म में धर्म से सीधा संपर्क नहीं रखता है, फिर भी कितनी गहरी बातें लिखता है। अगली आप जब दो पंक्तियाँ सुनेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंवर जावेद की, तो आपकी शायद ये जीवन की सुनी हुई सबसे अच्छी पंक्तियाँ हो। सुनिएगा। जो जिंदा रहने की चाहत
उठा के लाया था। जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था। मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसका हमदम हूँ, जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था। और आखिरी बंद इस रचना का कि राजनीति पर दो पंक्तियाँ जावेद साहब कहते हैं कि रियाएं खाते हैं वो एसी होटलों में, और सड़क पे भूखे की नंगे की बात करते हैं। मजाक सोचिए इससे ज्यादा क्या होगा, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। आई विल ट्राई टू कम विथ सम मोर वीडियोज़। बाय।